दोस्तों आईपीएल हिस्ट्री में जितनी भी टीम्स हैं उनमें से आखिर वो कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा कप्तान बदले हैं और कितने, क्या आपको पता है भाई? इस बात का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 2008 से लेकर 2023 करंट सीजन तक की सभी टीम्स के सभी कप्तानों की, उनके रिकॉर्ड्स की। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप भी हैं आईपीएल के दीवाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रकुल और आज के इस वीडियो में भैया हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। भैया चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसने सबसे कम कैप्टेंस चूज किए हैं। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तब महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन बनाया गया, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और अभी तक भैया संभालते नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम धोनी के स्टैट्स पे नजर डालें तो 219 मैचेस में इन्होंने 132 बार जीत दर्ज करी है, 85 टाइम्स धोनी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर हम औसत की बात करें यानी कि विनिंग परसेंटेज की, तो 60.77 का विनिंग परसेंटेज महेंद्र सिंह धोनी का निकल के आता है। वहीं इस दौरान 2008 से लेकर 2023 के बीच दोस्तों दो और कप्तान ऐसे रहे हैं जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को संभाला है समय समय पर। पहले होंगे सुरेश रैना जिन्होंने 2010 से 2019 के बीच में समय समय पर कैप्टेंसी करी है, 6 मैचेस में इन्होंने कप्तानी करी। हालांकि रिकॉर्ड्स कुछ खास नजर नहीं आते हैं, 2 ही बार इन्होंने जीत दर्ज करी थी 6 मुकाबलों में। अब बारी आती है रविंद्र जडेजा की। भाई उम्मीद थी कि जडेजा जो है वो बेहतर सक्सेसर का ऑप्शन होंगे, लेकिन 2022 में हम सभी ने देखा 8 मुकाबलों में इन्होंने कैप्टेंसी करी और इन्होंने भी मात्र 2 ही मुकाबलों में जीत दर्ज करने में सक्सेसफुल रहे थे। वेल ये होती है बात चेन्नई सुपर किंग्स की, छोटी सी कहानी। अब बढ़ते हैं दूसरी टीम की ओर, दोस्तों आमची मुंबई। भाई मुंबई इंडियंस दूसरी ऐसी टीम है जिसने सबसे कम कैप्टेंस चूज किए हैं। दोस्तों जब आईपीएल की शुरुआत हुई सचिन तेंदुलकर को इस टीम की कमान सौंपी गई थी, हालांकि उस समय सचिन इंजर्ड थे तो उनकी जगह हरभजन सिंह ने शुरुआती कुछ मुकाबलों में कैप्टेंसी करी थी। हरभजन के अगर हम रिकॉर्ड पे नजर डालें तो 30 मैचेस में उन्होंने 14 बार जीत दर्ज करी, 14 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, 50 का विनिंग परसेंटेज इनका नजर आता है। वहीं सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 55 मैचेस में कैप्टेंसी करी, 32 मैच जीते, वहीं 23 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। विनिंग परसेंटेज की बात करी जाए तो 58.18 का विनिंग परसेंटेज। अब दोस्तों 2013 का एक ऐसा समय आया था जब रिकी पोंटिंग ने मुंबई इंडियंस की कमान संभाली थी, हालांकि कुछ खास प्रभाव रहा नहीं इनका मुंबई इंडियंस में और बीच सीजन के ही रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई थी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। भाई रोहित शर्मा के अगर हम स्टैट्स पे नजर डालें दोस्तों तो 148 मैचेस में अभी तक इन्होंने कप्तानी करी है 2013 से लेकर एट प्रेजेंट अभी तक। 83 मैचेस इन्होंने जिताए हैं, 61 मैचेस में हार का सामना किया है, 57.43 का इनका विनिंग परसेंटेज निकल के आता है। अब दोस्तों 2013 ये वही साल था जब टीम ने पहली दफे भैया आईपीएल का खिताब जीता था और साथ ही साथ जब चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, चैंपियंस लीग होती थी T20, उस समय भी टीम ने जीत दर्ज करी थी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 टाइम के कैप्टन हैं रोहित शर्मा, वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन हैं जिन्होंने 2013, 2015, 17, 19 और 20 में मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई है। अब यहां पे अगर हम दूसरे कैप्टन की बात करें दोस्तों तो जेन पॉलॉक 2008 में 4 मुकाबलों में कैप्टनसी करते नजर आए थे, वहीं इनकी जगह वेन ब्रावो ने 1 मुकाबले में कप्तानी करी थी, 2010 की बात है। और इनके अलावा कैरन बोलार्ड ने भी 2014 से लेकर 2021 के बीच 9 मुकाबलों में कप्तानी करी है। अब यहां पर बात खत्म होती है मुंबई इंडियंस की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी टीम पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। भैया ये एक और लोकप्रिय टीम है जिसके अलग फैन फॉलोइंग है, भले ही आरसीबी ने अभी तक खिताब नहीं जीता, लेकिन यहां पर दोस्तों आपके लिए सवाल है कौन कौन से साल में आरसीबी फाइनल्स तक पहुंची है, यानी कि फाइनल्स का मुकाबला आरसीबी ने खेला है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जवाब जरूर दें। बढ़ते हैं कप्तानों की ओर। भाई सबसे पहले 2008 में राहुल द्रविड़ ने इस टीम की कप्तानी करी थी और वो एकमात्र सीजन था जब राहुल ने कप्तानी करी थी। 14 मुकाबले खेले थे, 4 मैचेस मात्र जीत पाए, 10 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, 28.57 का इनका विनिंग परसेंटेज हमें सामने नजर आता है। वहीं अनिल कुंबले थे दूसरे कप्तान टीम के जिन्होंने 2009 से 2010 के बीच कैप्टेंसी संभाली आरसीबी की। अगर स्टैट्स की तरफ नजर डालें तो 35 मैचेस में 19 बार इन्होंने जीत दर्ज करी, 16 मैचेस में हार का सामना किया, वहीं 54.28 का विनिंग परसेंटेज निकल के आता है। यानी कि अभी तक तो दोस्तों सिर्फ 2 ही कप्तान ऐसे रहे हैं जिनकी परसेंटेज काफी सॉर्टेड दिखाई देती है, पहले होंगे महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे हैं सचिन तेंदुलकर विद 58.18 का विनिंग परसेंटेज। भाई लोग आगे बढ़ते हैं, आरसीबी की कहानी यहां पर थमती नहीं है। अनिल कुंबले के बाद भैया न्यूजीलैंड के धाकर स्पिनर डैनियल विटोरी भी कमान संभालते हैं। 2011 से लेकर 2012 दो सीजन इन्होंने कैप्टेंसी करी, 28 मुकाबले इन्होंने खेले एज अ कैप्टन, 15 मैचेस में जीत दर्ज करी, 13 मुकाबले हारे,
विनिंग परसेंटेज रहा 53.57 का। अब दोस्तों डैनियल विटोरी के कार्यकाल के समय कुछ ऐसे मुकाबले रहे जब विराट कोहली ने भी कैप्टनसी करी। ओवरऑल अगर हम देखें 2011 से विराट कोहली कैप्टनसी करते नजर आ रहे हैं आरसीबी की, और एट प्रेजेंट यानी कि कहें तो 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। इस दौरान दोस्तों इन्होंने 140 मैचेस में कप्तानी करी, 64 मैचेस जीते, 69 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा और 48.14 का विनिंग परसेंटेज रहा विराट कोहली का। अब दोस्तों अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो फाफ डु प्लेसी टीम के कप्तान हैं। पिछला सीजन जो रहा था 2022 का, 16 मुकाबलों में इन्होंने कप्तानी करी थी, 9 मैचेस में इन्होंने जीत दर्ज कराई थी, 7 मैचेस में हार का सामना किया था, 56.25 का इनका ओवरऑल विनिंग परसेंटेज नजर आता है। अब इस दौरान दोस्तों कुछ और भी ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने आरसीबी की कमान संभाली है। पहले आते हैं केविन पीटरसन जिन्होंने 2009 में 6 मैचेस में कप्तानी करी। इसके बाद शेन वॉटसन ने भी 2017 में 3 मुकाबलों में कप्तानी करी थी। फिलहाल के लिए दोस्तों हम उन खिलाड़ियों के, उन कैप्टन्स के रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे जिन्होंने कम से कम 10 मैचेस में कैप्टनसी करी है। अब यहां पर खत्म होती है कहानी आरसीबी की। नेक्स्ट टीम आती है कोलकाता नाइट राइडर्स, प्रिंस ऑफ बंगाल। सौरभ गांगुली ने 2008 में कप्तानी संभाली थी कोलकाता नाइट राइडर्स की और 2010 तक का इनका टेन्योर रहा था। इस दौरान 27 मैचेस में एज अ कैप्टन इन्होंने परफॉर्म किया, 13 मुकाबले इन्होंने केकेआर को जिताए, वहीं 14 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा। 48.14 का विनिंग परसेंटेज है सौरभ गांगुली का। गांगुली के बाद दोस्तों कमान संभाली थी ब्रेंडन मैकलम ने। 2009 में मात्र एक सीजन में इन्होंने कैप्टनसी करी थी, 13 मैचेस में मात्र 3 बार ये जीत दर्ज कराने में सक्सेसफुल हुए, 9 मैचेस में हार का सामना किया और 76.92 का विनिंग परसेंटेज रहा ब्रेंडन मैकलम का। मैकलम के बाद दोस्तों गौतम गंभीर आते हैं। 2011 में गंभीर ने कप्तानी संभाली और 2017 तक एक्टिव रहे। इस दौरान इन्होंने 122 मैचेस खेले, 69 मैचेस में जीत दर्ज करी, 51 मैचेस में हार का सामना किया, विनिंग परसेंटेज 57.43 का हमें नजर आता है। 2018 में दिनेश कार्तिक को टीम संभालने का मौका मिला, 2020 तक का इनका टेन्योर रहा। भाई इस दौरान दिनेश कार्तिक ने 37 मैचेस में कैप्टनसी करी, 19 मैचेस जिताए कोलकाता नाइट राइडर्स को, वहीं 17 मैचेस में हार का सामना किया और 52.70 के विनिंग परसेंटेज के साथ दिनेश कार्तिक का कार्यकाल रहा। अब दोस्तों यहां पर दिनेश कार्तिक को बीच सीजन में ही कैप्टनसी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वो दौर उनके लिए अच्छा चल नहीं रहा था और ऑयन मॉर्गन उस समय टीम के कप्तान बनाए गए थे। 2020 से लेकर 2021 दो सीजन में इन्होंने कैप्टनसी करी, 24 मुकाबले, 11 मैचेस में जीत दर्ज करी, वहीं 12 मैचेस में हार का सामना किया, 47.91 का विनिंग परसेंटेज है। अब दोस्तों ये चीज साफ तौर पे दिखाती है कि भाई दिनेश कार्तिक जो कि केकेआर की कैप्टनसी से हटाए गए थे उनका विनिंग परसेंटेज डेफिनेटली हमें ज्यादा दिखाई देता है और ऑयन मॉर्गन को कैप्टन बनाया गया था। अब दोस्तों यहां पे आपके अकॉर्डिंगली क्या दिनेश कार्तिक को इतनी जल्दी कैप्टनसी से हटाना चाहिए था केकेआर के लिए, क्योंकि भैया आरसीबी में आते ही तो उन्होंने तबाही मचाई है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल दिनेश कार्तिक गए, ऑयन मॉर्गन गए, फिर आते हैं भाई श्रेयस अय्यर। 2022 में इन्होंने कप्तानी करी है, नए कप्तान है, ओवरऑल 14 मैचेस एज अ कैप्टन खेला इन्होंने, 6 मैचेस में जीत दर्ज कराई है, 8 मैचेस हारे हैं, 42.85 का विनिंग परसेंटेज है, लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए अभी रेड कार्पेट बिछा है एज अ कैप्टन फॉर केकेआर। आगे देखना होगा दिलचस्प दोस्तों इस करंट सीजन में केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर कितने कारगर साबित होते हैं। आपके हिसाब से क्या केकेआर प्लेऑफ्स में पहुंच रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।